हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री गार्डन्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर में लगे अमरूद के पेड़ को दिखाने जा रही हूँ। इसको लगाने का आपको कारण बताती हूँ। जहाँ मैं प्लांट रखती हूँ उस एरिया में समर्स में फुल डे तेज़ धूप आती है, जिसके कारण मेरे बहुत से प्लांट ख़राब हो जाते थे। तभी मुझे ख्याल आया, क्यों ना ऐसा प्लांट लगाया जाए जो फ्रूट भी दे सके और छाया भी। इसके लिए मैंने क्या किया, अमरूद का पेड़ लगाया और इसकी कटिंग ऐसे की ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए और मेरे प्लांट्स को शेड मिले। इससे देखिए कितने फ्रूट लगे हुए हैं। मैं भी खुश हूँ, मेरे नेबर्स भी खुश हैं और साथ में मेरे प्लांट भी खुश हैं। उन्हें नेचुरल शेड मिलती है और इन्हें खाने तो तोते भी दूर दूर से आते हैं। अब इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। विटामिन सी से भरपूर होता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इसके पत्तियों का मंजन तो दांतों की बीमारियों को ठीक करता है। ये देखिए, एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे पूरे दिन भर की धूप चाहिए और साल में दो बार फ्रूटिंग होने के कारण हैवी फीडर है और साथ में वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी रुके नहीं। और इसको पानी तभी डालें जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो इसके लिए इसे हमें गोबर की या कोई भी कंपोस्ट खाद बहुत ज़्यादा डाल देनी होती है। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसमें महीने में एक बार कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कोई भी मैं डाल देती हूँ, 1 से 2 किलो। इसके अलावा हमारे घर में डेली वेजिटेबल जूस बनता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसका वेजिटेबल जूस में पानी डालकर छोड़ देती हूँ और फिर उसका पानी इस तरह छान कर इसकी रूट्स में या किसी हर प्लांट्स की रूट में डाल देती हूँ। उससे इसको माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे घर में दाल चावल बनता है, उसका जो पानी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो पानी भी मैं प्लांट्स की रूट्स में डाल देती हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब मैं इसमें स्प्रे करने के लिए जो नीम की पत्तियों का बॉयल करके वाटर बनाती हूँ, ये देखिए ये वाटर बना हुआ है, वो भी मैं इसमें रूट्स में भी डालती हूँ, साथ में प्लांट्स में स्प्रे भी करती हूँ जो फ्लाइज़ को इससे दूर रखता है। और मैं इसमें थोड़ा कभी 15-20 दिन में, महीने में एक बार आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल देती हूँ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र मैं कोई भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये हमें खुद ही तो खाना है। और अब इसमें प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं आती, बस अमरूद में कीड़ा लग जाता है, और क्योंकि वो होता है मक्खियों के कारण जो कि फ्लावर पे अंडा देती है, उसका जो है वर्म बनता है और वो उसमें चला जाता है। और दूसरी होती है चींटियाँ जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह फैलाती हैं। मक्खियों के लिए मैं 2 मुट्ठी जो मैंने अभी बताया था आपको नीम का वाटर, उसका स्प्रे करती हूँ। और चींटियों से बचाने के लिए हर 15 दिन में 3-4 टिकिया कपूर की गोली की रूट के पास दबा देती हूँ, जिसकी स्मेल चींटियों से दूर रखती है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो वेस्ट बचा उसको मैं इसी प्लांट के पास में मिट्टी में गड्ढा खोदकर डाल देती हूँ और उसी के साथ में जो किचन का वेस्ट निकलता है, मेरी सूखी पत्तियाँ होती है, वो सब डालकर और मिट्टी से दबा देती हूँ। इसका ये डबल बेनिफिट होता है, जो इससे लिक्विड निकलता है वो मेरी मिट्टी को फर्टाइल करता है और साथ में मेरा किचन कंपोस्ट बन जाता है, जो इसकी रूट्स प्लांट्स ही होती है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। देखा ना, डबल फ़ायदा, आम के आम गुठलियों के दाम, अमरूद भी मिले, शेड भी मिली, किचन कंपोस्ट भी बनी, सारे फ़ायदे एक ही जगह पर। मेरा एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, तब तक ये मेरे घर के लगे हुए अमरूद आप मेरे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, गुड डे।